का भेला चाची रुवा का भेला एने बताई का भेला हम लइका लला रानी हां बेटा हमर गला अपना मरीज के घुमा एक मिनट शांति हां मरीज के घुमा लग त हो गया बड़ा गला अंद का छ हां का भेले ने एल बड़ा पान खा के हां कल हम सर गलती ना निकले बने मरीज के घुमा हो तनी ठीक बा बस कह मरीज के पहुंचा के आओ गला घर पहुंचा के आए ना एक मिनट शांत रहिए एक मिनट हाँ रोई मत यहाँ पर सुनिए रुके साइड हटिए इनको ले जाइए आप लोग यहाँ से साइड हट जाइए गेट छोड़ के बैठिए आप पर डांटा कौन चलाया है एक मिनट माने वर्दी में वाला चढ़ौल कि बिना वर्दी वाला माने वर्दी रही है सुनिए एक मिनट सुनिए अगर पहले सुनिए सबके उपाय होगा सारा व्यवस्था होगा लेकिन ढंग से हो रहा है अच्छा उतना नाम हो जाएगा नाम डिटेल्स हो जाएगा सुनिए भाई जिसके हाथ में पास था उसका पास छीन के फाड़ने का कौन तुक बनता है पहले बताइए ये पास को कौन ठीक है जो भी लीगल चीज है अनलीगल है अगर कोई को नहीं रखना था तो एक एक करके सबको निकाल देते मारने का कौन रहती है मारा क्यों मारेगा कोई क्यों मारा क्यों कहा पहले उसे पूछना चाहिए पहले सुनिए इनका कहाँ लड़का सबसे पहले आप वहाँ पूजा करते हैं इमरजेंसी में सबूत वही होना चाहिए पहले चीज पहले अभी पूर्जा कटाइए ना सुनिए एक मिनट भैया सुना जा हम आए लो बनी हम आनोगे बनी अब निश्चिंत नहीं होला ठीक बा हम उपाय लगाओ तनी लेकिन तरीका से हुई पहले इनका पूर्जा कटाई और यही में देखाओ जब इंजुरी बनी आई सारा लोग एक करके उपाय हुई पहले दिखाई पहले रुकिए अरे भाई रुकिए ना पहले जाइए तो पहले पुर्जी कटा के लाइए और किसको चोट लगा है ये बोले क्या कौन है जिसको चोट लगा था किधर गया उन्हीं को ना ले तो जाइए तो पहले पुर्जा कटा के लाइए देखिए मेरे भाभी को भी धक्का दिया जबकि बचल नहीं सुनिए देखिए ये बचल नहीं हुई इनको भी धक्का देके गिराया जबकि ऑपरेशन ही नहीं करा हुआ रघु को धक्का दे ले रख ले हां ये पीछे मालिक का गाय है दौड़ा कर रहा लगा तो सब गोन से तुम्हारी बोन तक बोन कर देता है बोन के मोर रख लो मोर लगा ले मालिक हां अब इन लोगों से सुनिए इन लोगों से किसी से कोई बात नहीं होगा सिविल सर्जन को फोन करें सिविल सर्जन आएंगे बात होगा किसी से कुछ नहीं कहना सिविल सर्जन को बुलाते हैं कि आप अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करिएगा ताकि हम लोग अपना हाला बवाली आंदोलन करें सीधी सी बात है इधर आइए सिविल सर्जन को बुलवाइए आप लोग इधर आइए आप लोग यहाँ जाम मत लगाइए जो भी लोग है साइड में हो जाइए गार्जियन लोग इधर निकल जाइए आ जाइए गार्जियन लोग बाकी लोग अपना काम कराइए उधर गार्जियन लोग इधर आइए फोन करिए उनको एक शब्द अगर हम किसी सिविल सर्जन से बात करने जा रहे हैं एक शब्द कोई नहीं बोलेगा सिविल सर्जन यहाँ पर आएंगे और अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई करें और नहीं करेंगे तो उसके बाद हम लोग को बैठना होगा भूखे बैठना होगा धरना देना होगा सब देंगे हम लोग कार्रवाई करवा के छोड़ेंगे सीधी सी बात है लेकिन बशर्ते हम कब लड़ेंगे जब आप लोग शांति बना के रखिएगा तब लड़ेंगे और आप ही लोग अगर हाला बवाल करिएगा इन्हें उन्हें करिएगा तो हम केकरा ला लड़ेंगे मैनेजर मारा है अरे जो भी मारा है उस सब पर कार्रवाई होगा मैनेजर भगवान मैनेजर सुनिए मैनेजर है चाहे कोई गार्ड है चाहे कोई भी स्टाफ है भगवान नहीं ना है कानून सबके लिए बराबर है अब देखिए मैं क्या कराता हूँ बस अर्थ है कि आप लोग का कोनो इन्हें उन्हें बात करिएगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे
पूछो इन्हें उन्हें करिएगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। वो लोग तो चाहेगा ना कि इन्हें उन्हें कुछ करे, एकदम शांति से रहिए, टोटल कार्रवाई होगा, एकदम शांति से आप लोग को रहना है। पहली बात बोलता है, बहुत फालतू बोलता टोटल है। सिविल सर्जन आएंगे ना, तो सिविल सर्जन के सामने इसका शिकायत होगा और वही कार्रवाई करेंगे, वही उपाय लगाएंगे। आप लोग बस सरते शांत रहिए और कोऑपरेट करिए। पहले जाइए उनका पुर्जा कटवाइए, उनका चाची का पहले इलाज करिए। कट गए पुर्जा, लाइए लाइए, इसका कटा है। एक आदमी को और चोट लगा था, आइए पहले इनका इलाज करवाते हैं, पहले आइए। तो जानते हैं सर, मेन चीज है कि लोग का कहने का अभी तक पता चला है। एक मिनट, कहने का मतलब बोले ना दीदी भाई, हमारा के कहने का मतलब सिर्फ इतना इतना था। इन लोग का गुस्सा होने का कारण इतना ही था। गार्ड अगर कोई भी अगर वो अंदर जाता है तो गार्ड का काम है कि इलीगल लोग को अंदर नहीं जाने देना, पहला चीज। तो कहीं ना कहीं से ये लोग अगर इलीगल तौर पे अंदर था तो सबसे पहले गार्ड दोषी है कि अंदर गया कैसे लोग, आपने भेजा तो गया, पहले सुनिएगा सर, समझिएगा, अंदर गया क्यों, अगर आज जाना अवैध था तो पास कैसे करेगा अंदर, तो गार्ड की गलती है। अगर चलिए किसी तरह चला गया तो गार्ड साहब का यह काम था कि जाके प्यार से बोलने के लिए आप लोग निकलिए, और कि सीधे जाके लाठी चला दिया है, सीधे हाथ तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अब इस पर हमको यही कहना है, आप लोग यदि कुछ काम हुआ है तो ये लोग कानूनी कार्रवाई करें ना, कानून चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वही चाहते हैं, हम लोग भी वही चाहते हैं। मैं यहाँ हूँ ना, देखो सुनिए, मैं यहाँ हूँ ना, कोई हंगामा नहीं होगा। तो पुलिस किया है, पुलिस आई है ना, सुपरवाइजर साहब, अब मैं यहाँ पर हूँ तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, किसी हिसाब से हंगामा नहीं होगा। हम लोगों को बस उचित कार्रवाई होना चाहिए, सीधे उचित कार्रवाई उस पर होना चाहिए। आप लोग इमरजेंसी का गेट खाली छोड़ दीजिए, आप लोग इमरजेंसी का गेट छोड़िए, गेट छोड़ दीजिए, बुआ आइए कागज लेके आइए, भाई नेम उनका आवेदन पे नाम लिखिए, जो भी किया है उनका नाम लिखिए, भाई नेम उनका नाम, मैनेजर का नाम पाथी आप लोग, हाँ बउआ तुम जाओ ना पहले अपना, तुम वहाँ जाओ और आवेदन लिखो अंदर बैठ के, साइड हट जाइए।